हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं स्नेहता स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल सिंपल लाइफ स्नेहा को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज फ्रेंड्स शुक्रवार, मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। ऑफ टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। तो चलिए आज का वीडियो 5:30 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बनाऊँगी चाय के लिए एक हेल्दी रेसिपी। उसमें मैं ढेर सारे वेजिटेबल ऐड किया है। तो रात को ही रोटी बनाकर रख दो तो ये रेसिपी इजी होता है सुबह सुबह बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने रात को रोटी बनाकर रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं 3 रोटी बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सारे वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, बीट, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम और थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो उसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। आपको जो सब्ज़ी पसंद है ये सारी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से धो लूँगी, साफ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर सारी सब्ज़ी मैंने साफ कर लिया है। अब सब्ज़ी को छोटे छोटे करके पहले कट कर लूँगी, उसके बाद ये सारी सब्ज़ी को मैं कर लूँगी ग्रेट। तो फ्रेंड, यहाँ पर सारी सब्ज़ी मैंने अब ग्रेट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हम सारी सब्ज़ी को ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छे से हमारी सारी सब्ज़ी ग्रेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई बिठा दूँगी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तो उसमें मैं ऐड करूँगी अब ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैं ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे ये सारे वेजिटेबल। तो उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, उसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर थोड़ी देर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सब्ज़ी पक रहा है यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आटा लूँगी, उसका एक मोटा सा घोल बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच आटा लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करके उसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी पक गया है। अब उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा मेयोनीज और एक चीज़ का स्लाइस भी ऐड करूँगी। अब वो सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर लूँगी, कढ़ाई को हम साइड कर लेंगे। कढ़ाई साइड होने के बाद यहाँ पर मैंने तवा बैठा दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर ले लिया मैंने 1 रोटी। यहाँ पर मैंने और कुछ नहीं ऐड किया है, टमाटर सॉस की मेयोनीज नहीं लगाया है क्योंकि पहले ही स्टफिंग में है। तो इस तरह से उसको हम रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दूसरा रोल भी बना लूँगी, थोड़ा सा स्टफिंग लूँगी, उसको रोल करके ये जो आटा का घोल बनाया था उसे लगा कर रोल कर देंगे तो ये नहीं निकलेगा। अब तवा गर्म हो गया था, उसमें मैं ऑयल लगाकर ये जो रोल को अच्छे से उसको ऊपर रख दूँगी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। देखिए उसको अब पलट लेंगे, एक साइड से हो गया था। ये देखिए हमारा जो रोटी का रोल है बन गया है, उसे अब निकाल लेंगे। अब हम उसे बीच से कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बन गया है आज का रेसिपी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो चलिए अब उसको हम टिफ़िन में पैक कर लेते हैं। पहले मैं टिफ़िन को अच्छे से साफ कर लूँगी। चलिए अब हम टिफ़िन में रख देते हैं। चलिए अब इसके साथ मैं दे दूँगी थोड़ा सा ओरियो बिस्कुट। तो देखिए आज का टिफ़िन बॉक्स रेडी हो गया है। अब साई का बैग में इसको रख दूँगी। तो साई भी स्कूल चला गया है। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो बर्तन रखना पड़ा था उसे साफ कर लूँगी। पहले रात को जो बर्तन करके रखा था उसको उसके जगह पर रख दूँगी और जो सारे सब्ज़ी को भी फ्रिज में रख दूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब बैठा दूँगी थोड़ा सा चाय। तो सुबह सुबह तो चाहिए, मुझे चाहिए, तो पहले चाय बना लूँगी, थोड़ा सा चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर जब तक चाय बन रहा होता है तो मैं तब तक ये जो बर्तन पड़ा है ये सबको साफ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन साफ हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, चाय को छान लूँगी। चाय भी बन गया है तो चाय को छान कर ये जो सॉस पैन है ना उसे भी साफ करके रख दूँगी। तो चलिए सुबह सुबह पी लेते हैं ये चाय। तो चाय के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो फ्रेंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड्स।